तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सूरजसर हिंदी ट्रिक पर। और हम दो वर्षीय जो PTET का एग्ज़ाम जो अभी अभी हुआ है उसकी जो सही और स्टेक विश्लेषण आपके लिए लेकर आया हूं। कई बार जब पेपर के जब हम फटाफट सॉल्यूशन कराते हैं तो कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन अब मैं एक एक क्वेश्चन को आराम से यहाँ पर करने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से आपका अघोष वर्ण नहीं है तो क और आपका च और श, ये तीनों आपके क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। और आपका यह जो है वो अघोष न होकर आपका ये स घोष वर्ण होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। क्योंकि अघोष वर्ण जो होते हैं वो हर वर्ग का पहला दूसरा, ठीक है, हर वर्ग का पहला दूसरा और तीनों स आपके क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है। 152 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपकी गुण संधि के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आपका शिवालय, विद्यार्थी और भानुद्याय, इनमें अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वर संधि है। और महोत्सव की अगर बात करी जाएगी प्यारे साथियों तो आपकी यहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, यहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाती है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें प्यारे साथियों तो आपको ध्यान में रखना है, 153 नंबर सवाल मेरे हिसाब से डिलीट होगा, बाकी जो है वो एग्जामिनर क्या मानता है। यहाँ पर आपसे पूछा शुद्ध विकल्प आपको बताना है, तो मनय धन योग से आपका मनय योग होता है, आपकी विसर्ग संधि से, ये भी राइट है। और डी नंबर ऑप्शन आपका निर्विकार धन निर्विकार भी यहाँ पर आपका होता है, ये भी यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पर ये दोनों ए और डी आपके क्या हैं, राइट यहाँ पे होने वाले शुद्ध विकल्प, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। निम्नलिखित में से आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बहुत बार इस क्वेश्चन का जिक्र किया है कि आ उपसर्ग से बना जो शब्द है वो नहीं है, तो अधिकरण जो है वो आपका यहाँ पे नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे प्यारे साथियों, तो आप सभी के सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प आपको बताना है। समास आपसे पूछा गया है, पाप और पुण्य की अगर बात करी जाए तो आपका पाप और पुण्य द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, ध्यान में रखना। यहाँ पे राम राज्य में आपका तत्पुरुष समास होता है, ये ध्यान में रखना। प्रतिदिन में आपका अविभाव समास होता है, ध्यान में रखना। काला बाजार में आपका कर्मधारय समास होता है, ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं प्यारे साथियों सैंधव और घोटक। सैंधव और घोटक की अगर बात करें तो इस पर्यायवाची शब्द आपका है, तो सैंधव और घोटक जो है वो घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, घोड़ा आपका वाजी होता है, घोटक है, ये आपके होते हैं। अनल आग का पर्यायवाची है, अक्षयांग का पर्यायवाची और पीयूष अमृत का पर्यायवाची होता है। 157 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से आपका अशुद्ध विकल्प आपका कौन सा है बताइएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से उपकार का अपकार दिया गया है, आदान का प्रदान यहाँ पे दिया गया है, और कोमल का यहाँ पर अगर बात करी जाए तो प्यारे साथियों कोमल का जो विलोम होता है वो आपको पता है, कठोर होता है, ये आपको ध्यान में रखना। और राग का द्वेष होता है, ये आपको ध्यान में रखना। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से अपने बात करते हैं प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किस शब्द सभी शब्द जो है वो आपके यहाँ पे शुद्ध है। तो अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही अलग टाइप का है। बूढ़ा शब्द यहाँ पे गलत लिखा गया है, नुपुर और पूज्य यहाँ पे गलत लिखा गया है, ज्येष्ठ और दधीची जो शब्द है, गृहिता जो शब्द है वो गलत आपका लिखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना। एक ऑप्शन पर मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से अगर देखा जाए सदैव बहुवचन नहीं है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट लगा, लेकिन मैं इसका उत्तर जो है वो नदी करना चाहूँगा। लेकिन दर्शन बहुवचन होता है, हस्ताक्षर बहुवचन होते हैं, लेकिन समाचार में भी थोड़ा सा डाउट है। लेकिन अगर यहाँ पर पत्र जो है ये आपका एक वचन होता है, समाचार जो है वो आपके क्या होते हैं, एक वचन, तो आपको ध्यान में रखना। लेकिन अगर यहाँ पर उत्तर की बात करूँगा तो मैं इसका आंसर एक नंबर दूंगा 159 का। नरेश से बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ठीक है। भाववाचक आपके क्या होते हैं, यहाँ पे हो जाता है आपका भाववाचक, ठीक है। अपने बात करते हैं उसके साथ में, निम्नलिखित में से तासीर की अगर बात की जाए, तासीर का मतलब होता है प्रभाव, तासीर जो है उसका मतलब क्या होता है, समानार्थक शब्द होता है आपका प्रभाव। 162 की अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना, अकर्मक क्रिया निम्नलिखित में से नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना हंसना है, दौड़ना है, उठना है, लेकिन पीना, क्या पीना, आप अकर्मक क्रिया क्या पीना, आपको ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि कल भी मैंने बताया था कि निम्नलिखित में से आपकी कौन कौन सी अकर्मक क्रिया होती है, आपको ध्यान में रखना, ये आपका है, ठीक है। दोपहर तक जरूर आ जाना, यहाँ पर अगर देखें वाक्य में आपका विधान वाचक, ठीक है, निषेधवाचक, विधिवाचक और प्रश्नवाचक, तो दोपहर तक आ जाना, यहाँ पर सीधा सा वाक्य आपका विधानवाचक यहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने 164 नंबर सवाल के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका,
निम्नलिखित में से आपको ध्यान में देखना है प्यारे साथियों, मिश्र वाक्य आपका उसने कहा था कि मैं निर्दोष हूँ। बाकी तीनों वाक्य जो हैं अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, लोकप्रियता अभिनेता का सम्मान सभी करते हैं, सूर्योदय, ये आपके तीनों जो वाक्य आपके सरल वाक्य यहाँ पे होते हैं, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत बड़ा दुबला पतला था, ये जो आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है ये आपको ध्यान में रखना, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य आपसे पूछा गया तो इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों कि तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती, तो यहाँ पर ओछे के प्रीत बालू की भीत, ओछे के प्रीत बालू की भीत की अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना एक नंबर यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पर 167 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको ध्यान में रखना अशुद्ध विकल्प आपको बताना है, ध्यान में रखना, ठीक है। और उगल देना मतलब गुप्त प्रकट कर देना, अब तब करना मतलब बहाने बनाना, और अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब अपने ठीक है काम निकालना नहीं होता है, आत्मनिर्भर बनना होता है। इसका क्या होता है प्यारे साथियों, आत्मनिर्भर बनना यहाँ पे होता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये इसका गलत दिया गया है, ठीक है। अक्कल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ये इसका दिया गया है विलोम शब्द, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 168 नंबर सवाल के बारे में अपने बात करेंगे। यहाँ पर ये कहा गया कि कहीं का नहीं होना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये आपका ऑप्शन आता है, ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। और यहाँ पर अपने बात करें कि जो इसका आंसर है वो आपका मैंने लगा दिया है। अब बाकी अगर इस पूरे कथन को पढ़ेंगे तो इसमें एक ललदेद की वाखा जो है वो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। और इसकी जो तारीख़ कश्मीर जो है वो आपको यहाँ पर इसकी बात करी गई है। तो यहाँ पर यह जो अनुच्छेद है कष्टिक शीर्षक आपका होगा, ललदेद की जो बाख है उससे ये लिया गया, ललदेद के बाख मुखचंद होते भी लल आपके युक्त है। तो पहला जो आपका है वो ललदेद के जो वाक जो है, वाक का मतलब यहाँ पर वाणी होता है, यहाँ पर वाक का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, वाणी होता है, ये आपको ध्यान में रखना। आगे चलकर ऐसा क्वेश्चन भी आपका आने वाला है, आगे चलिएगा और देखना है आपको कुल मिलाकर, ठीक है, आपके नंबर कितने आए मुझे आप बताओगे प्यारे साथियों। मैं आपको मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर आप 8946844 आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, 8946844120 इसके ऊपर आपके नंबर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कौन से विषय के, और उसके आधार पर हम मेरिट का यहाँ पर क्या करेंगे निर्धारण करेंगे, मेरिट की वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने बात करते हैं प्यारे साथियों कि ललदेद की वाक्यों का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, अगर इस ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो थे उन्होंने उसका क्या किया था वर्णन यहाँ पे किया था। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं प्यारे साथियों, अनुच्छेद के अनुसार लोगों का ध्यान ललदेद की तरफ गया, तो वो कौन सी थी, तो उसकी जो अपने बात करते हैं तारीख है जो कश्मीर है उसके अनुसार आपका ये गया। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना निम्नलिखित में से अनुच्छेद के अनुसार पंडित मुकुंदाराम शास्त्री ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो उन्होंने वाक्यों का जो संकलन किया उसमें सहयोग दिया था, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, आप सभी को ध्यान में रखना, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अनुच्छेद में प्रयुक्त वाक का तत्सम वाणी होता है, वाक का तत्सम आपका यहाँ पे क्या होता है प्यारे साथियों, वाणी यहाँ पे होता है, ये आप सभी को ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना, वाक का जो अर्थ है वो आपका वाणी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या पूछा गया प्यारे साथियों, तद्भव पूछा गया है, तो इसके ऊपर भी अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, तत्सम पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को ध्यान में रख, तो देखिएगा प्यारे साथियों यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाता है वो हो जाएगा आपका वाणी, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, दीर्घ संधि का दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है आपका, तो आपका सी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों। वार्तालाप की जब अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों आपका वो वार्ता धन क्या होता है, अलाप होता है, अलाप का मतलब स्वर होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सभी शब्द ठीक दिए गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों, आपका यण स्वर संधि की बात करें तो यण स्वर संधि में कौन सा यहाँ पर शब्द है, तो अन्वेषण आपका यण स्वर संधि है, नायक में आपकी अयाध्य संधि है, राजऋषि में आपकी गुण स्वर संधि है, और वनौषधि में आपकी वृद्धि स्वर संधि है, लेकिन वनौषधि शब्द वो आपका गलत लिखा गया। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि यण संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा आपका अन्वेषण यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में अपने बात करेंगे प्यारे साथियों, कला में प्रवीण समास है, कला में प्रवीण, कला में प्रवीण, तो आपको ध्यान में रखना आपका यहाँ पे विग्रह आता है इसका कला में प्रवीण, और में की विभक्ति जब आती है तो आपको ध्यान में रखना उसका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। चंद्रचूड़ आपको पता है शिव को कहा जाता है, इसका तीसरा अर्थ निकलता है, तो चंद्रचूड़ में आपका बहुव्रीहि समास होता है। अत्युक्ति की अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना अत्युक्ति का विग्रह अगर करोगे तो आपको पता है जो आपका अति धन उक्ति होता है, अति धन उक्ति से आपका अति उपसर्ग यहाँ पर हो जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपका बी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी है, तो कठोरता,
कठोर आपका क्या है भैया? विशेषण शब्द है। क्या है लाला? कठोर आपका विशेषण शब्द, आपको ध्यान में रखना, ठीक है, ये आपका कठोरता हो जाता है। उसके बाद में ध्यान में रखना, बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना। कुछ पूछा है, कुछ आपको कल की क्लास में बताया था कि कुछ और जो कोई है, कुछ और जो कोई है उसके बारे में अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो कुछ और कोई जो शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं? आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं प्यारे साथियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ध्यान में रखना, दुगुना और चौगुना, दोगुना और चौगुना की अगर बात करी जाए तो आपसे ये पूछा गया प्यारे साथियों, दुगुना और चौगुना जो शब्द है उसकी अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर गणनावाचक जो है, पहले का जो आपका दिया गया प्यारे साथियों, यहाँ पर गणनावाचक आपका यहाँ पर हो जाता है विशेषण। वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका यहाँ पे ध्यान में रखना प्यारे साथियों, नाम धातु क्रियाएं होती है वो संज्ञा से बनती है, विशेषण या विशेषण से आपकी बनती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, तुमने कहा होगा, तुमने कहा होगा उसके अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, तो आपको ध्यान में रखना ये भूतकाल का वाक्य है और संदिग्ध भूतकाल है, तुमने कहा होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। हिमकर, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट वाला लगता है तो मैं आपको यहाँ पे इसका उत्तर बताना चाहूँ, हिमकर का पर्यायवाची नहीं है। हिमकर जो है वो आपका चांद को कहा जाता है। किसको? चांद को। विधु चांद है और विभाकर भी चांद है, लेकिन अंशुमाली सूर्य होता है, इसका एक उत्तर तो ये हो गया, हिमालय आपका एक हिमालय होता ही आप जानते हो, तो वो चांद नहीं है। तो आपका यहाँ पर देखो ए और बी आपका होता है, हिमालय जो है वो आपका, आपको पता है बर्फ़ का जो घर है वो होता है और अंशुमाली सूर्य होता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये जो छोड़ रहा हूँ बीच में, इसको एग्जामिनर इसका उत्तर क्या माने, बाकी डिलीट होने लायक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है, तो उसके बारे में अपने बात करें पहले साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है? 185 का प्रश्न का खिन बिल्कुल राइट है, स्थावर का जंगम बिल्कुल राइट है, बहुत बार मैंने आपको बताया, मधुर का सुमधुर, मधुर का भैया कटु होता है, मधुर का मतलब ठीक है मीठा और कड़वा का मतलब, कटु का मतलब कड़वा होता है, ध्यान में रखना। उत्कर्ष का आपका अपकर्ष विलोम राइट होता है, और बलिवर्द की अगर बात करी जाए तो तद्भव इसका बेल होता है, बलिवर्द का बेल होता है, यह आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह आता है प्यारे साथियों, ध्यान में रखना कि अशुद्ध वाक्य की अगर बात करी जाए तो आपका अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा होता है? अपने पैरों, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी डाउट है कि उसके सिर पर, ठीक है, उसके सिर पर घने, सिर के अंदर सिर पर घने बाल थे, एक तो इसका ये मुझे डाउट इसका लग रहा है कि एक तो उत्तर इसका ये माना जा सकता है। दूसरे अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देखो, मैंने पत्तों को बहते हुए देखा, मैंने पत्तों को पानी में बहते हुए देखा, ये आपका हो सकता है। बाकी पत्ते जो है वो, पत्तों का मूल काम जो है वो उड़ना होता है, लेकिन पत्तों को पानी में बहते हुए देखा अगर ऐसा आता है तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर आपका देखो ए भी माना जा सकता है और डी भी माना जा सकता है, तो दोनों अपने बेनिफिट ऑफ डाउट आपको यहाँ पे देख लेना है क्या आपका एग्जामिनर मानता है। उल्टे छुरे मुंडना का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? ठगना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना मतलब गाल बजाना। गाल फुलाना का मतलब क्या होता है? नाराज होना होता है, ठीक है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। पहले शायद मैंने इसको गलत बता दिया था लेकिन अभी सही कर लेना। गुड़छड़े उड़ाना का मतलब मजे करना होता है। अशुद्ध की बात करेंगे तो आपका ऐतिहासिक जो शब्द है वो आपका, इतिहास में आप एक जोड़ते हो तो ऐतिहासिक जो शब्द है वो आपका क्या होता है प्यारे साथियों? शुद्ध होता है, आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और आपको ध्यान में रखना, 191 की बात अगर करी जाए तो आपके सामने 191 की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो आप सभी को ध्यान में रख लेना है, यहाँ पर वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता उसे प्रति उत्पन्नमति कहा जाता है, ठीक है। व्याकरण, व्याकरण लिखने वाले को कहा जाता है, तो ये गलत है। पावस का मतलब वर्षा ऋतु है, तो पायस का मतलब खीर होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। खल जो है, खल अनका नेकार्थी नहीं, खल दुष्ट बर्बाद और खरल होता है, लेकिन धतूरा कनक सोना होता है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। किस विकल्प के सभी प्रश्न पर पर्यायवाची नहीं है, उसमें भी डाउट है थोड़ा सा। सुर देवता निर्जर किस में नहीं है? सुर है, देव है और निर्जर है, ये आपके देवता की पर्यायवाची है, ठीक है। नारी और यहाँ पर अन्य और कटक सेना का पर्यायवाची है, लेकिन ये दुश्मन है तो ये भी आपका गलत हो गया। नारी और बामा, नारी और बामा स्त्री के पर्यायवाची है, लेकिन दारी है, दारा है वो पत्नी का पर्यायवाची है, इसलिए ये भी आपका थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हो जाता है। तो यहाँ पर बी और सी, लेकिन आपको बी देख लेते हैं ना, कांत वर और नाथ ये स्वामी के पर्यायवाची होते हैं, ये आपका राइट है, ठीक है। अगला देखिएगा 195 भरपेट, मैंने रात को कहा था ना गारंटी के साथ में कि अविभाव समास आएगा भरपेट, भरपेट आपका क्या होता है? आपका अविभाव समास यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, आप सभी को ध्यान में रखना कि चरण कमल बंधो हरियाई में कौन सा है? चरण कमल में आपका रूपक अलंकार होता है, क्योंकि आपका जो रूपी जो शब्द है उस वो आपका जुड़ता है, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल जो आपका है वो इसका विग्रह यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी क्षिति होती है, धरा होती है, वसुधा होती है, लेकिन शैल क्या होता है भैया? पर्वत होता है, शिला पत्थर होती है और शैल आपका पर्वत होता है। निरपेक्ष न्याय करना का मतलब क्या होता है? दूध का दूध पानी का पानी करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, और व्यू में
संधि कौन सी है, तो यण स्वर संधि आपकी होती है और इनमें से कौन सा सहकर्मक क्रिया आपकी यहाँ पे होती है, तो आप सभी को ध्यान में रखना। अगर 200 नंबर सवाल की बात अगर करूँगा तो आपका सहकर्मक क्रिया आपका मोहन पेड़ पर देख, मोहन पेड़ देख रहे, पेड़ पर नहीं मोहन पेड़ देख रहे, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, बाकी सभी में आपकी अकर्मक क्रिया होती है। अब आपको करना क्या है प्यारे साथियों, ध्यान में रखना, आपके लिए फिर से आपके एक नंबर में लिख रहा हूँ, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो मुझे बिल्कुल आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि उसी से अपने क्या बनाने वाले हैं, मेरिट यहाँ पर बनने वाली है। आप सभी को ध्यान में रखना, आप इसी के ऊपर और आपका पेपर कैसा रहा, कितने नंबर आए, इसके ऊपर आपको क्या करनी है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जिन जिन साथियों ने एग्ज़ाम दिया है वो अपने मेरिट बनाने के लिए अपने बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कैसा रहा और अनुभव के आधार पर यहाँ पर पेपर बताया, एग्जामिनर जो मानता है 50 में से ये कहता हूँ 45 तो हमने सही बिल्कुल किए हैं, अब 2-3 में तो आपके बिल्कुल डाउट वाले आ ही रहे हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा मानता है एग्जाम। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।